कर्नाटक जीतने पर दिल्ली की गद्दी फिसल जाएगी बीजेपी के हाथ से, या बीजेपी बदल देगी 40 सालों का इतिहास? नमस्कार, मैं हूं खबरीलाल जनार्दन और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज। कर्नाटक जो दम तोड़ती कांग्रेस के लिए संजीवनी बन सकता है और बीजेपी के लिए आंखों की किरकिरी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर घूम रही है और कर्नाटक उसमें सबसे बड़ा बाधक है। लेकिन खास बात यह है कि कर्नाटक की विधानसभा चुनाव और दिल्ली की जो सत्ता है उसमें एक अजीब तरीके का संबंध है। असल में बीते 40 सालों में कर्नाटक की सत्ता और दिल्ली की गद्दी एक साथ किसी को नहीं मिली। एक हाथ में कर्नाटक आता है तो दूसरे हाथ से दिल्ली फिसल जाती है। साल 1978 से आज तक बीते 40 सालों में बस एक बार ही ऐसा हुआ है, सन 2013 में, जब कर्नाटक विधानसभा और केंद्र की सत्ता में एक ही सरकार थी, कांग्रेस की। लेकिन ठीक से एक साल भी नहीं बीते थे कि कांग्रेस से दिल्ली की गद्दी छिन गई। साल 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत मिली। अप्रत्याशित इसलिए कि ठीक उसी समय पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस विरोधी लहर बनाने में कामयाब हो रही थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। प्रदेश की 224 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 122 सीटों पर कब्जा जमाया। कुल हुए 71.4% मतदान में 36.5% वोट कांग्रेस को मिले, जबकि तत्कालीन सत्ताधारी बीजेपी को केवल 19.9% ही वोट मिले। इनके खाते में 40 सीटें ही आई। दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर जनता दल सेकुलर का रहा। जेडीएस को 20.19% वोट मिले और उसने भी 40 सीटें जीती। साल 2008 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव, केंद्र की सरकार में कांग्रेस की छवि अच्छी थी, मनमोहन सिंह की छवि अच्छी थी, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी 110 सीटें जीतने में कामयाब रही। साल 2008 में हुए चुनावों में 110 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 33.8% वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस को 34.7% वोट मिले थे, फिर भी उसे 80 ही सीटें मिल पाई। इसे बूथ मैनेजमेंट कहा गया। इस बार के चुनाव में भी इस बूथ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। और 2008 में 18.9% वोट शेयर के साथ जेडीएस ने 28 सीटें जीती थी। देश के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी और हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी भी 2004 में केंद्र में सत्ता नहीं बचा पाए थे, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। साल 2004 में हुए चुनावों में कांग्रेस को मिली थी 65 सीटें, जेडीएस को मिली थी 58 सीटें और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी ने जीती थी कुल 79 सीटें, लेकिन शुरुआत में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, पर बहुत जल्दी दोनों का साथ छूट गया और दक्षिण भारत में पहली बार बीजेपी ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो इसी तरह से बीते 40 सालों के रिकॉर्ड ये गवाही देते हैं कि जो सरकार कर्नाटक में होती है वो सरकार केंद्र में नहीं होती है, या जो सरकार केंद्र में होती है वो कर्नाटक में नहीं आ पाती। तो क्या इस बार बीजेपी यहां से जीत कर साल 2019 के लिए एक इबारत लिखेगी, या 40 सालों का इतिहास फिर से खुद को दोहराता रहेगा? कर्नाटक विधानसभा चुनावों के पहले इससे जुड़ी हुई सारी रोचक जानकारियों के लिए आप लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट www.lokmatnews.in को और सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल लोकमत न्यूज हिंदी के नाम से। फेसबुक पर भी हमें लाइक करिए लोकमत न्यूज हिंदी के नाम से। नमस्कार।